एक बाल्टी गाय का दूध चढ़ाया शिवलिंग को। बाप रे बाप, बहुत तगड़ा है यार, आदमी भी तगड़ा है और गैंगलोड भी तगड़ा है। हमारा गांव जैसा पहले था वैसे ही हो जाए तो माता रानी सब पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना। माता जय माँ बारी, राम राम भारत, जय श्री केदार। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। गाइस, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने घर केदार घाटी से। और आज का मौसम का हाल देखिए, बड़ा सुहाना मौसम है और एकदम चटक वाली धूप खिली है। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आपको आज के दर्शन कराते हैं। फटाफट से चलते हैं महावारी के मंदिर में। गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं महावारी के गेट में और आज है 7वां दिन है और आपको दर्शन कराते हैं महावारी के। और मेरे हाथ में आज प्रसाद है और महावारी के दर्शन कराते हैं आपको। हमारे चाचा जी भी लगे हैं, इनका काम है पानी पुनी, यहाँ पे नदी से पानी लेके आते हैं गंगा जल। नमस्तस्यै नमो नमः। पितरों का तर्पण। अमुक अमुक नामने गोत्रोत्पन्ना आदित्य स्वरूप, अमुक नामने शर्मणा सदा च वर्मणा, प्रपिता मस्त्रपितामिदं सतलं गंगोदकं तस्मै सुधाः। ओम मधुनक्त मधो खसो मधोत्पादकं रजाः मधुदेव रसनाः पिताः। अद्यमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक अमुक नामने गोत्रोत्पन्नः आदित्य स्वरूप हे अमुक नामने शर्मणा तथा वर्मणा, प्रपिता मस्त्रपितामिदं सतलं गंगोदकं तस्मै सुधाः तस्मै। जय माँ वरही, हर हर महादेव। तो अभी और आज है नवरात्रि का 7वां दिन है और गाइस अभी सुबह की पंचपूजा हो गई है और अभी अपने पितरों को तर्पण दे रहे हैं। और अभी देखो हमारा मंदिर कैसा चमक रहा है, माँ बारी का मंदिर और बारी माता का मंदिर। और अभी यहाँ पे ज़्यादा भक्तजन भी नहीं है क्योंकि अभी आने वाले हैं भक्तजन। और ये ठीक सामने पे देखो मस्त मस्त वाली ये है। और हमारे गांव का देखो एक सुंदर सा मंदिर है माँ बारी का। तो गाइस मैं अभी माँ बारी के मंदिर में हूँ और माँ बारी से यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि माता सब पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना। जो हमारे गांव के लोग बाहर हैं, बाहर बसे हुए हैं, उनकी भी रक्षा करना, उनको भी अपना आशीर्वाद देना। और हम यही करते हैं कि हमारा गांव जैसा पहले था वैसे ही हो जाए बस। तो माता रानी सब पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना। माता जय माँ बारी, हर हर महादेव। गाइस आपने इतनी भक्ति देखी है कभी? एक बाल्टी गाय का दूध शिवालय को चढ़ाएंगे। हर हर महादेव। महापात्य और भाग्यमस्तोर्घ्यं मुखयाहि। ॐ सुद्धवालः सर्वसुद्धवालो मणिवालसासुनाः जेता जेताख्यो ऋणसेतुराय पशुपतये कर्णाजामा वलिप्ता रुद्रानुभोरूपाः पार्जन्याः। ॐ त्रैनन्देश्वराय नमः। अधगन्धानुलेपनं मा गन्धद्वारे तिगै नमः। ध्यानमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया पूजाया कृतायः। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, आज हमारा नवरात्रि का 7वां दिन है। और गाइस अभी शाम के समय में हमारे माँ बारी के मंदिर में कीर्तन भजन हो रहा है और आपको दिखाते हैं। कीर्तन मंडली बहुत ज्यादा आ रही है तो आपको बताते हैं और दर्शन कराते हैं आपको कीर्तन मंडली के। और हमारे चाचा जी भी लगे हैं, ये जो शाम का आज खिचड़ू बनना है खड़िया के लिए। और चाचा जी कर रहे हैं, सब इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी है चाचा जी। और ये मंदिर में हर समय तत्पर रहते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं
और यार के माँ बारे के मंदिर में। हमारे गांव में आज है नवरात्र का सातवां दिन और आज है कल यात्रा। आज के दिन क्या होता है हमारे पहाड़ों में ना जो छानू छिपरू पड़ता है, छानू छिपरू मतलब यहाँ की गढ़वाली भाषा में छानू छिपरू बोलते हैं, यहाँ पे पड़ता है। पौधे की एक रोटी बनाते हैं और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कैसा होता है। ये है अपने पौधे की रोटी बोलते हैं इसको, छानू छिपरू, और पहाड़ी भाषा में बोलते हैं यखड़िया रोटवा। और अपने चाचा जी से पूछते हैं कि आज की रात को क्या होता है। नवरात्र का सातवां दिन है आज। आज नवरात्र का सातवां दिन है और इसमें जो माँ भगवती काली माई जो है जो राक्षसों का जो वध करती है, तो आज रात को जो है राक्षसों का वध करना है और उनको जो है यमलोक पहुंचाना है। माँ सिद्धिदात्री का जो है कल अष्टमी का दिन आए, माँ असली अपने काली रूप में आ जाती है आज रात में जो है, यही आज कल रात्रा के रूप में मनाया जाता है। माता जी के भोग जो मतलब माता जी के साथ में जो अन्य गण होते हैं जो माता जी के साथ में सहयोग करने वाले, माता जी के साथ में राक्षसों को वध करने वाले जो गण और होते हैं उनको ये भोग लगाया जाता है। अभी हमारे गांव के देखो इतने सारे लोग यहां पे इकट्ठा हो रखे हैं और ये सब ये बना रहे हैं। और आज रात को क्या होता है, आरती भी उसी के बाद होगी जब काली माँ को भोग चढ़ाया जाएगा, उसके बाद होगी आरती। और आज आरती होगी 9-10 बजे के करीब। तो आपको दिखाते हैं यहां का कीर्तन भजन। भाई साहब आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? मंदिर के लिए। किसने दिया? मैं लाया हूँ मंदिर से, पूजा के लिए चले। नहीं आप कहाँ से लेके आए? मैडम के पास है, हमारे घर पे है। अच्छा होटल में हो रहा है। क्या है ये? गिंजलाड़ू। बाप रे। और ये देखो मतलब जैसा भाई है वैसा लेके आए, मस्त वाला है एकदम बड़ा। ये देखो बाप रे इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो हमारे क्या गाँव में भी है नहीं। बाप रे इसको शायद क्या लगे होंगे 5 साल क्या लगे होंगे इसको मतलब उगाने में, नहीं लगे होंगे उतने 5 साल। बाप रे बाप बहुत तगड़ा है यार, आदमी भी तगड़ा है और जंगलोड भी तगड़ा है। इकेन रोन चानो बोल दे। तो ये जोशी जी उठाएंगे, ये हमारे भाई साहब उठाएंगे आज रात का चानो। माता का पहले मैं घर को निकल जाऊं? नहीं घर को ऐसे नहीं निकल सकते, माता का भोग है क्योंकि ये सबसे पहले चढ़ाएंगे। मैं सबको घर छोड़ने जाऊंगा, हो सके क्या पता जो है चाय पीते पीते घर में नींद आ जाए। फकीर है अभी टाइम लगेगा। जरा और मंदिर में ही बैठे मन में हरी महान चर सभी घरों की शान चर भारत तेरी महान चर।
और एक हमारे चाचा जी हैं संदीप चाचा जी, माता रानी उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता, जय माँ बाहरी। और अभी माँ बाहरी के मंदिर के बाहर ध्वनि जगी है और ये ध्वनि हमारे मंदिर में 9 दिन तक जलती रहती है। ये देखो तो गाइस अभी शाम के 6 बजे हैं और अभी आरती होने वाली है और आज है काली यात्रा है, काली यात्रा बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, क्योंकि आज रात को माँ काली के लिए भोग जाता है, छानू छिपरू जो भी रहता है तो वो जाता है रात को 8 बजे और उसके बाद होगी आरती। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव, जय माँ बाहरी।